हेलो दोस्तों, जैसे कि थंबनेल में आप लोगों को देखा ना, पेन एयर भी एक चोर है। पेन एयर भी की एक नंबर का चोर है दोस्तों। सच में दोस्तों मैं कह रहा हूँ पेन एयर भी एक नंबर का चोर है, क्योंकि इसके फुल प्रूफ मैं लेके आया हूँ। क्योंकि कस्टमर के साथ में कैसे ये धोखाधड़ी करते हैं, कस्टमर के पैसे कैसे लूट लेते हैं दोस्तों, इसके फुल प्रूफ लेके आया हूँ आपके सामने में। आप लोग फुल देखिए, और एक जो फोन कॉल रिकॉर्ड जो भी है, कस्टमर केयर से जो भी बातचीत हुआ है, सब डिटेल्स में लेके आया हूँ, लास्ट में डाल दूंगा। तो आप लोग फर्स्ट टू लास्ट देखते रहेंगे, तो आप लोगों के साथ में भी ऐसा धोखाधड़ी ना हो और इससे बच के रहेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं आरटी मोरस की यूट्यूब चैनल। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिए, ताकि हम आप लोगों के पास पहुंचते रहेंगे और हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे करते शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग जब पेन एयर भी बाय किसी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरूरत पड़ते हैं, जब हम लोग एक दूसरे नज़दीक में नहीं रहते हैं, बा वो भी सदा कुछ भी नज़दीक में रहते, घर बैठे कुछ कर सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन के ट्रांजेक्शन की कुछ जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का पेन एयर भी काफ़ी अच्छा लोग मानते हैं, काफ़ी अच्छा लोग इसमें यूज़ कर रहे थे, और इसके बावजूद ये ऑनलाइन से जो पेन एयर भी है काफ़ी धोखाधड़ी करने लगा है, और इसी तरह हो रहा है। क्योंकि हम लोग को जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जब कोई बंदा नज़दीक में ना हो, उसे किसी पैसा देने के काम आता है, पैसा देने का जरूरत पड़ता है, तो हम लोग ऑनलाइन की यूज़ करते हैं। उसके बाद में किसी बिल भुगतान करना पड़ता है, और उसके बाद में किसी इंश्योरेंस, बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है, रिचार्ज ऐसे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है पेन एयर भी। तो कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने ट्रांजेक्शन कर रहा था, जो कि किसी के पैसा देना था, इसलिए मैंने पेन एयर भी की जब यूज़ किया है वहाँ पे, जब 1500 रुपया मैंने वहाँ से वॉल्ट से मैंने पेन एयर भी से जब ट्रांजेक्शन किया, तो ट्रांजेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, और उसका मोबाइल में भी सक्सेस हो गया, मैसेज भी आ गया। ये सक्सेस होने के बावजूद भी ये पैसा उसका बैंक अकाउंट में डिपोजिट नहीं हुआ दोस्तों। तो मतलब क्या है, आप क्या सोच सकते हैं, यहाँ से वॉल्ट से निकल पा रहे दोस्तों, और बैंक अकाउंट में डिपोजिट हुआ नहीं, और तो पैसा गया कहाँ। तो उसके बाद में जब बैंक अकाउंट में चेक किया गया, उसके बाद में बैंक अकाउंट में जब पैसा नहीं है, मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन लगाया और बोल रहे हैं कि आपका पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ, किसी कारण से फेल हो गया है, आप इस पैसा का क्लाइम रिफंड कर दीजिए। तो मैंने जब क्लाइम रिफंड करने गया, मुझे स्टेप बाई जैसे ही फ्लो बताया था, स्टेप बाई स्टेप मैंने वहाँ पर उसको जितना भी रूल्स था मैंने फ्लो किया स्टेप बाई स्टेप। उसके बाद में क्लाइम में गया, क्लाइम रिपोर्ट में गया, वहाँ पर क्लाइम रिपोर्ट किया, उसके बावजूद भी मुझे कुछ मिला नहीं दोस्तों। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो का जो सिस्टम है दोस्तों, ये ही सिस्टम है जो क्लाइम करना है आपको, क्लाइम रिफंड करने के लिए आपको ओटीपी लेना पड़ेगा, और ओटीपी एक मतलब समझता नहीं मैं, क्योंकि जिस बंदा का पैसा मिला ही नहीं है उससे हम क्यों ओटीपी लेंगे, जिस बंदा का मैंने पैसा भेजा था उसका पैसा मिला ही नहीं तो उससे परमिशन क्यों लेंगे हम, ये सिस्टम बहुत गलत बनाया। क्योंकि पेएनआर भी और इसी तरह उससे ओटीपी लेना पड़ता है, और इसके सबसे कठिन ये है जो 1 मिनट का टाइम लेता है दोस्तों, उससे हम 1 मिनट के अंदर में हम ओटीपी लेंगे, और 1 मिनट के अंदर में हम डालेंगे और उसका प्रोसेसिंग करेंगे, तो प्रोसेसिंग जो टाइम लेता है उससे ज़्यादा टाइम ले लेता है, इसके बारे में ज़्यादा टाइम ले लेता है, और प्रोसेसिंग फेल हो जाता है दोस्तों, और उसके बाद में जो पैसा कुछ रिफंड होता नहीं। इसी तरह जो ओटीपी आप समझ सकते हैं दोस्तों, आजकल का ऑनलाइन में ज़माना में बहुत सारा फेक कॉल आता है, और ओटीपी वगैरह लेके बहुत सारा पैसा लूट लेते हैं, ऐसा न्यूज़ आते रहते हैं, बहुत आदमी से ऐसा एटीएम के पैसे चोरी हो रहे हैं। तो किसी ने किसी को ओटीपी देने में बहुत मना करेगा, फिर भी मैंने उसे बहुत समझाया बुझाया, उसके बाद में कम से कम लगभग 5 से 7 बार मैंने 2-3 दिन में कोशिश किया, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पूरी प्रोसेसिंग फेल हो जाता है, 1 मिनट उसका प्रोसेसिंग बहुत लंबा चलता है, उसके बाद में वो फेल हो जाता है, कंप्लीट हो नहीं पाता है, तो मेरा पैसा रिफंड होता नहीं। तो दोस्तों इस तरह वो रिफंड कभी करेगा भी नहीं, उसके ही पैसे जो काला धन जमा होता है जिस फंड में वो लोग का, वहीं पे वो एक्चुअली जमा हो गया है, वो कभी रिफंड होने वाला नहीं है। उसके बाद में मैंने काफ़ी बार कस्टमर केयर में फ़ोन किया, वो लोग बोलते हैं कि मैंने कुछ कर नहीं पाएंगे, यहाँ पे कुछ कर क्या नहीं जा सकता, एक ही उपाय है, आज आपको फिर से ओटीपी लेना पड़ेगा और आपको क्लाइम रिफंड करना पड़ेगा। यार कितना बार हम क्लाइम रिफंड करेंगे तो प्रोसेसिंग फेल हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, और उसके पास में इसके अलावा कुछ नहीं है। तो पैसा वो खाया ठीक है, लेकिन उसे निकलने का जगह नहीं है यार, क्या है ये पेन एयर भी, घुसने का जगह है वो निकलने का जगह नहीं है, क्या है पेन एयर भी, तो एक नंबर चोर है कि नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस हो गया, वहाँ पे भी सक्सेस हो गया, ये डिपोजिट हो गया है वहाँ पे, लेकिन बेंगलोर डिपोजिट हुआ नहीं यार, क्या है ये पेन एयर भी, एक नंबर चोर है ना, सही यार, एक नंबर का चोर है। और एक खास बात ये है, जो पेन एयर के बारे में मैंने बहुत सारा कॉमेंट किया, प्ले स्टोर गया वहाँ पे कॉमेंट किया, उसके बाद में यूट्यूब में जब वीडियो ढूंढा, वहाँ पे ऑफिशियल चैनल ढूंढता, तो मुझे ऑफिशियल चैनल मिल गया जो पेन एयर भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।
तो वहां पे जो आप देख सकते हैं जो पेनियर भी ऑफिशियल चैनल वहां पे जो देख सकते हैं जो लोग पेनियर भी पे काम किए हैं जो लोग सक्सेस हो गए हैं वही लोग अपना सक्सेस के बारे में पेनियर के बारे में बताए हैं। बहुत सारे YouTube देखे हैं आप YouTube में वीडियो देखे हैं पेनियर के बारे में बहुत अच्छा अच्छा वीडियो वो लोग पैसा लेके वीडियो बनाए हैं दोस्तों उसका पीछे में मत भागो जो लोग पैसा लेके उसके बारे में भला भला बोल दिया जो खराब है उसको बोला ही नहीं है वहाँ पे। उसी तरह जो है चैनल में अच्छे से सिर्फ बोला है खराब कुछ है उसको कभी बोला नहीं है। उसके बाद में आप कस्टमर का रिव्यू देखने जाएंगे जहाँ कमेंट बॉक्स में जाएगी देखने जाएंगे आप देख सकते हैं वहाँ पे डिसेबल करके रखा है जितना भी कमेंट बॉक्स है सब डिसेबल करके रखा है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों जो ऐप जो वर्ड इतना अच्छा होगा उसके बारे में लोग अच्छा ही बोलेंगे बुरा क्यों बोलेंगे। अगर जब बुरा बोलेंगे तो उसका रिव्यू अच्छा नहीं आएगा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा इसलिए वो क्या किया वो एक नंबर चोर है तो सबको मालूम है ना इसलिए सब लोग वहाँ पे गाली दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारा लोगों के ऐसे हो रहे हैं। मैंने भी इसके बारे में थोड़ा सर्च किया और बहुत लोगों के साथ ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं मैंने काफ़ी सर्च किया तो इसलिए वो लोग क्या किया कमेंट बॉक्स को डिसेबल करके रखा है क्योंकि किसी ने यहाँ पे गलत कुछ ना बोल दे और मेरा जो व्यूअर्स है वो लोग का कुछ कंफ्यूज ना हो जाए मेरे को छोड़ के कहीं दूसरा में ना चला जाए इसलिए जितना भी कॉमेंट बॉक्स है वो डिसेबल करके रखा है। डिसेबल करके रखने का मतलब वही होता है वो फेक वीडियो होता है इसलिए वो कॉमेंट बॉक्स है डिसेबल करके रखता है। तो दोस्तों वीडियो में आप लोगों को कुछ शिक्षा मिल गया आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो शेयर कीजिए। मैं लास्ट में डाल दिया है कस्टमर से जो भी मेरा बातचीत हुआ है छोटा सा मैंने डाल दिया है इसे तो बहुत सारा बातचीत हुआ मैंने पूरा नहीं डाल पाऊंगा तो छोटा सा मैंने डाल दिया है वो सुन लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों के जितना भी भाई बहन दोस्त लोग हैं वो लोगों के साथ ऐसा धोखाधड़ी ना हो प्यार में पेन एयरवे के साथ में और उसका पैसा भी ऐसे ही जो काला धन में ना चला जाए इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मेरा यहाँ भी सक्सेस हो गया बाबा जी तो वहाँ पे पैसा गया नहीं और ठीक है मैंने मान लिया तुझे वार्ड में रिफंड हो जाना चाहिए था ना अभी तक उसके पास पैसा गया नहीं तो मुझे ओटीपी क्यों देगा यार उससे परमिशन लेने से क्या जरूरत है वो परमिशन क्यों देगा मुझे ये अभी मेरे को सवाल कर रहे वो नहीं दे रहा है क्योंकि आजकल आप भी समझ लीजिए आजकल किसी ने अनजान नंबर किसी ने फोन कर लिया किसी से मैसेज ओटीपी कुछ मांग लेता है तो कोई देता नहीं सर आजकल ऐसे चल रहा है ना ये प्रॉब्लम तो एक्चुअली कस्टमर का ना सर उनको ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए कस्टमर को प्रॉफिट होगा कस्टमर को पैसा अभी तक नहीं मिला है ना सर जी तो कस्टमर को कंप्लेन देना चाहिए आपको कॉल करके मेरा पैसा नहीं आया अभी तक तब उनको बोल देना ये ट्रांजैक्शन फेल हुआ है आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा ओटीपी मैच होने के बाद पैसा मुझे मिल जाएगा ओके नहीं ठीक है अब जो बोल रहे हैं वो भी सही है लेकिन ये सही नहीं है सर मेरा तरफ से ये सही नहीं क्योंकि उसको पैसा मिला नहीं तो उससे परमिशन क्या लेना की जरूरत है हमें क्योंकि उससे पैसा मिला ही नहीं उसके पास है ही नहीं पैसा तो उससे परमिशन क्यों सर ये तो वर्ल्ड आप लोगों के पास में ही है ये पीएनआर के अंदर में ही ये पैसा किसी के अटक गया है तो ये वापस कर देना चाहिए सर उससे परमिशन क्यों लेना चाहिए मुझे सर वो कस्टमर का नंबर डाले ना सर तो उसी नंबर पे ओटीपी जाएगा ये देखिए सर वो सर आप लोग का जितना भी रूल्स थे मैंने फॉलो किया और रूल्स मैंने इसके तीन बार प्रोसेस किया प्रोसेसिंग चलता था एक मिनट से ज्यादा चलता था उसके बाद में फिर फेल हो जाता था ऐसे करके मैंने किया तो उसके बाद में वो ओटीपी देने में अभी मना कर रहे हैं सर मैं क्या कर सकता हूँ वापस चाहिए सर मेरा 1500 रुपये जो था मुझे किसी तरह वापस चाहिए मुझे बिना ओटीपी के सर मैं ओटीपी में अभी ले नहीं सकता हूँ वो नहीं दे रहा है मुझे अगर बिना ओटीपी के पैसा वापस नहीं ले सकते सर ऐसे कैसे हो सकता है सर क्योंकि उसके पास पैसा गया नहीं है वो मुझे परमिशन क्यों देगा सर ये गलत हुआ आपका जो रूल्स है ना ये गलत है सर सर पर मेथड तो यही है।